हेलो एवरीवन मेरा नाम है श्रुति गुप्ता और आज हम इस वीडियो में ऐसे पांच ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्रॉफिटेबल है तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टी सी एस दट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो टाटा ग्रुप्स की प्रमुख कंपनी है टी सी एस आई टी सर्विसेज कंसल्टिंग और बिजनेस सोल्यूशन में ग्लोबल लीडर है जिसने कई वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ के साथ जुड़कर काम किया है अब इनकी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो साल दर साल इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 19 परसेंट से बढ़ा है जिसके पीछे कई रीजंस हैं जैसे कि ग्लोबल स्पेस में क्लाउड सर्विसेज का बढ़ते डिमांड और वेंडर कंसोलिडेशन के साथ साथ इन्होंने इस साल कई डील्स भी जीते हैं दूसरा स्टॉक है आई बैंक जो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये इंडिविजुअल्स स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस और लार्ज कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है इनकी फाइनेंशियल्स को देखें तो इन्होंने हाल ही में अपने क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और इस क्वार्टर में इनका जो नेट रेवेन्यू है वो आठ परसेंट तक बढ़ा है और इनका जो पैट है वो दस परसेंट तक बढ़ा है तीसरा जो स्टॉक है वो है आइचर मोटर्स लिमिटेड जो भारत में आइचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी है ये मिडिल वेट मोटरसाइकिल स्पेस में वर्ल्ड की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनकी फाइनेंशियल्स को देखें तो इस साल कंपनी का रेवेन्यू 55.8 परसेंट तक बढ़ा है और इनका जो एबडा है वो 23.8 परसेंट तक बढ़ा है जिसका मेन जो रीज़न है वो है कॉस्ट रिडक्शन चौथी कंपनी की बात करें तो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है ये लाखों कंज्यूमर्स को फाइनेसिंग जनरल इंश्योरेंस लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट और सेविंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इनकी फिनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इस साल इनका रेवेन्यू सोलह परसेंट तक बढ़ा है लास्ट कंपनी जिसके बारे में बात करेंगे वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड जो इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है ये वार्निशेस, इनमल्स ऑर्गेनिक कॉम्पोजिट सॉल्वेंट्स और थिनर्स प्रोड्यूस करती है ये पंद्रह कंट्रीज में ऑपरेट करती है और पूरे देश भर में इनका छब्बीस पेंट प्रोडक्शन प्लांट्स हैं इनके फिनेंशियल्स को अगर देखें तो साली में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन और मानसून की वजह से इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट का डिमांड है वो घटा है पर ऑटो ओएम्स दैट इज़ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) के वजह से इनका इंडस्ट्रियल प्लान सेगमेंट में काफ़ी डिमांड दिखाए इन सब के बावजूद भी इनका जो एबिडा मार्जिन है वो 57 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए और इनका जो पैट है वो 6 परसेंट तक बढ़ाए अगर आपको इन कंपनीज के फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप स्टॉकेज के ब्लॉग को पढ़ सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप हमारे स्टॉकेज ऐप सेक्शन के एज रिपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं जहाँ पर आपको हर लिस्टेड कंपनी की डिटेल्स पूरी पूरी डिटेल में मिलेगी थैंक यू